एक स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने में पूर्ण सहयोग एवं योगदान देता रहेगा। पीएम अभीम के अंतर्गत जो भी निवेश एनसीडीसी के अपग्रेडेशन के लिए किया गया है उसका पूर्ण रूप से समकरण किया जाएगा। एनसीडीसी की क्षेत्रीय शाखा का निर्माण होना है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय एनसीडीसी शाखा गुवाहाटी असम अंबाला हरियाणा से सीआरआई कसौली हिमाचल प्रदेश, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर झारखंड, ब्रांच बेंगलुरु कर्नाटका, शाखा भोपाल मध्य प्रदेश, एनसीडीसी ब्रांच भुवनेश्वर, ब्रांच चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिमी जाकर के इन सभी शाखाओं का 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का। सरकार का यही काम होता है कि हर परिस्थिति से समझ के कभी सरकार को सैचुरेशन मोड में नहीं आना चाहिए, यानी कि हमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाना चाहिए कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ कर दिया है, हमने जो भी कुछ किया है उससे आगे क्या करने की आवश्यकता है।